एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर गोज टू, पहले ये अवार्ड्स ना सिर्फ फिल्मों के लिए होते थे, वो फिल्में जो थिएटर्स में रिलीज होती थी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कोविड और लॉकडाउन ने ना हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की असल वैल्यू रियलाइज करा दी है। बाहर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, घर बैठो नेटफ्लिक्स चलाओ, अमेजोन प्राइम चलाओ, सोनी लिव चलाओ, सब कुछ चलाओ और बढ़िया बढ़िया शोज और फिल्म देखो। और आज की डेट में ना इतनी सारी वेब सीरीज और फिल्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कि बाहर जाने की तो नीड ही नहीं है, और जब इतने सारे शोज हैं तो उन्हें उनका रिकॉग्निशन भी तो मिलना चाहिए ना। तो गाइस, इसलिए अभी मुंबई में हुए ओटीटी प्ले अवार्ड्स 2022, द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ द ओटीटी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, मैं तोनाक्षी कालरा अब क्विकली बताती हूँ आपको कि किस फिल्म, एक्टर, किस डायरेक्टर एटसेट्रा 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 को मिले कौन से अवार्ड्स और कौन से शोज थे इस अवार्ड्स नाइट के हाइलाइट्स। सो बेस्ट डेब्यू मेल फॉर सीरीज जीता कुणाल कपूर ने फॉर इज वेब सीरीज द एम्पायर। वही बेस्ट डेब्यू फीमेल जीता द अमेजिंग सोनाली बेंद्रे ने फॉर हर रिसेंटली रिलीज्ड वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज। ये कहानियां नहीं किससे हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट, गुल्लक सीरीज के जमील खान ने जीता बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल अवार्ड। नेक्स्ट इज बेस्ट एक्टर इन अ ग्रे रोल फॉर सीरीज, दिस इज वॉन बाय किशोर फॉर अदिति पोहांकर स्टारर शी टू। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल वॉन बाय परमव्रत चैटर्जी फॉर हिज रोल इन आरण्यक। वही बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल जीता कोंकणा सेन शर्मा ने फॉर मुंबई डायरीज। अच्छा, आप में से कौन है यहाँ पर लिटिल थिंग्स का फैन? वेल, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए आई वॉज वेरी हैप्पी जब अनाउंस हुआ कि बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल ऑन ओटीटी मिला है मिथिला पालकर और ध्रुव सहगल को लिटिल थिंग्स के लिए। डेफिनेटली वेल डिजर्विंग। मूविंग ऑन, आगे सुष्मिता सेन की वेब सीरीज RR2 को मिला बेस्ट डायरेक्शन कैटेगरी में भी अवार्ड। वही बेस्ट स्टोरी आरण्यक, बेस्ट वेब सीरीज जूरी टब्बर और बेस्ट वेब सीरीज पॉपुलर मिला फैमिली मैन 2 को। मसाबा मसाबा शो भी कहीं पीछे नहीं था क्योंकि मसाबा मसाबा 2 आल्सो गॉट अवार्डेड एक्सेलेंस इन रियलिटी फिक्शन अवार्ड। बेस्ट एक्टर मेल जूरी मिला मनोज बाजपेयी को फॉर फैमिली मैन 2। बेस्ट एक्टर मेल पॉपुलर का अवार्ड मिला ताहिर राज भसीन को फॉर ये काली काली आंखें। वही बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर कैटेगरी में रवीना टंडन वॉज अवार्डेड फॉर आरण्यक। अच्छा, वेब सीरीज के साथ साथ इस अवार्ड्स नाइट में फिल्म्स की भी कैटेगरी को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया, जहां अभिमन्यु दासानी वाज अवार्डेड बेस्ट डेब्यू मेल फॉर हिज फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर। निमृत कौर गॉट बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड फॉर दसवीं। दीपक डोबरियाल यानी कि रिंकू को मिला बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल अवार्ड फॉर गुड लक जेरी। एंड बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल अवार्ड मिला हर्षवर्धन राणे को फॉर हसीन दिलरुबा। वेल डिजर्विंग, नो डाउट। Films like Dasvi or Shersha also got awarded as Best Web Original Films Jury and Best Web Original Film Popular Choice में। जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म्स को भी यहाँ पर रिकॉग्निशन मिला है, तो इस शाम का एंड हुआ विद बेस्ट एक्टर मेल जूरी अवार्ड won by फरहान अख्तर फॉर तूफान एंड आर्या फॉर सरपट्टा पारंबाई। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल जूरी अवार्ड मिला विद्या बालन को उनकी फिल्म जलसा के लिए। और बेस्ट एक्टर फिल्म पॉपुलर एंड बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म पॉपुलर अवार्ड्स मिले कार्तिक आर्यन और तापसी पन्नू को उनकी फिल्म्स धमाका और हसीन दिलरुबा के लिए। तो विनर्स की लिस्ट तो यार बहुत लंबी है और सबका मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन ओवरऑल ये मानना पड़ेगा कि ये ओटीटी प्ले अवार्ड्स 2022 की नाइट थी बहुत ही स्टारी और स्पेशल, और अब क्लियरली शोज और फिल्म्स के लिए एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को काफी मोटिवेशन भी मिली है टू ब्रिंग सम अमेजिंग कंटेंट एंड स्टोरीज टू अस। बाकी अब आप क्या करना, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने भी इन्हीं विनर्स को एक्सपेक्ट किया था या फिर किसी और को। बाकी मैं मिलूंगी आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, ऐसे ही और ओटीटी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स के लिए आप लोग देखते रहिए ईएनटी लाइव। टिल देन, दिस इज मी तोनाक्षी कालरा, योर फेवरेट होस्ट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।